हेलो फ्रेंड्स, जेएस टेक्नोलॉजी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूं आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम देखेंगे कि हेयर स्ट्रेटनर का लूज कनेक्शन का फॉल्ट कैसे ठीक किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक हेवेल्स का हेयर स्ट्रेटनर है जिसमें कनेक्शन कभी कभी मिल रहा है, कभी कभी नहीं मिल रहा है। तो इसी फॉल्ट के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये किस वजह से होता है और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। को खोलने के लिए पहले हमें स्ट्रेटनर के दोनों तरफ जो काला करके क्लेम लगा हुआ है, वो क्लेम का कवर दोनों साइड से खोल लेना है। खोलने के बाद उसके अंदर में हमको एक स्क्रू मिलेगा, जिसको भी हम लोगों को खोल लेना है। स्क्रू खोलने के बाद अंदर की तरफ हमें एक हेक्सागोनल क्लेम दिखाई देगा। ये क्लेम दोनों तरफ से लगा हुआ रहता है। इस क्लेम को हम लोग स्क्रूड्राइवर की मदद से खोल लेंगे और दूसरे तरफ का भी जो क्लेम है उसको भी हम लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद जो स्ट्रेटनर है वो हम लोगों का निकल जाएगा। अभी ऊपर की तरफ हम लोगों को और एक स्क्रू दिखाई देगा, वो स्क्रू भी हम लोगों को खोल लेना है। और स्ट्रेटनर का जो मेन केबल है तो उसमें का ऊपर भी एक लॉक लगा रहता है रिंग टाइप का, वो लॉक भी हम लोगों को स्क्रूड्राइवर के मदद से खोल लेना है। जैसे आप देख सकते हैं, स्क्रूड्राइवर से धीरे धीरे इसको गैप करने से ये खुल जाएगा। अभी उसका ऊपर का कवर जो है वो हम लोगों को निकाल देना है। इसको ऊपर से खींच लेने से वो निकल जाएगा। कवर निकलने के बाद हम लोगों को सॉकेट से केबल को निकाल लेना है। ये जो सॉकेट का कनेक्शन है तो ये कनेक्शन का जो क्लिप है वो भी थोड़ा फैल गया है, तो इसके लिए ये प्रॉपरली उसमें कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए उसको हम लोग थोड़ा स्क्रूड्राइवर के मदद से कंप्रेस कर देंगे। अभी कंप्रेस करने के बाद हम लोग वायर को भी मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी में लेके चेक करके देखेंगे वायर हम लोगों का सही है कि नहीं। जैसे कि आप सुनता रहे हैं, हम वायर में से बीप का साउंड आ रहा है, मतलब कंटिन्यूटी एक पॉइंट में सही है। दूसरी तरफ भी हम लोग लगा के देखेंगे। अभी देखिए, इसमें हम लोगों का कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। जैसे वायर को हम लोग सीधा करता हूँ ये शोर देता है, और जैसे बेंड करता हूँ फिर साउंड आने लगता है, मतलब वायर हम लोगों का कहीं से टूटा हुआ है। तो अभी वायर को चेक करने के लिए हम लोगों को
वायर को जो इंच ऊपर जो इंसुलेशन है उसको धीरे धीरे से काट लेना है। इसको एकदम संभाल के काटना पड़ता है, नहीं तो जो मेन वायर है वो कट जाएगा हम लोगों का, तब पूरा वायर ही रिप्लेस करना पड़ेगा। रहे अंदर के तरफ जो वायर का इंसुलेशन है वो काटे नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो पिन वाला वायर है वो टूटा हुआ है, इसी की वजह से हम लोगों का जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है। कभी कभी कनेक्शन मिल रहा है, कभी कभी नहीं मिल रहा है। तो वायर को कैसे सही किया जाए वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। वायर के ऊपर के तरफ जो रबर का इंसुलेशन है उसको हम लोगों को लंबा करके काट लेना है। देखिए हम लोगों ने इसको अच्छे से काट लिया है, देखिए ये पूरा टूटा हुआ है। तो इसको जॉइन करने के लिए पहले इंसुलेशन का जो पार्ट है उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के अंदर का वायर निकाल लेना है। वायर निकालने के बाद हम लोग उसमें एक हीटिंग ट्यूब लगाएंगे ताकि वायर ज्वाइन होने के बाद हीटिंग ट्यूब से हम लोग उसको कवर कर दे। और ये वायर जोड़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा वायर लगेगा, ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा वायर लेके हम लोग ने इसको ज्वाइन कर दिया हूँ। ज्वाइन करने के बाद हीटिंग ट्यूब जो है वो ट्यूब अंदर के तरफ ढकेल के अच्छे से कवर कर लिया हूँ। अभी हीटिंग ट्यूब को हम लोग हीट करके इसको श्रिंक करेंगे। मैं एक लाइटर की मदद से उसको हीट कर रहा हूँ, आप लोग हीट गन का भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो है ट्यूब अच्छे से श्रिंक हो चुका है। अभी हम लोगों ने जो तार काटा था उसका मजबूती बना रहे इसके लिए एक एल्यूमिनियम का शीट काट के उसको अच्छे से क्लेम कर दूंगा ताकि वायर मजबूत रहे, नहीं तो फिशर में ये फिर से टूटने का चांस रहेगा। अभी दोनों वायर को हम लोग और एक एल्यूमिनियम के शीट के मदद से कंप्रेस करके ज्वाइन कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्लायर के मदद से हम लोगों ने इसको टाइट कर दिया हूँ। जो क्लेम लगाया हूँ वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इंसुलेशन टेप की मदद से उसको पूरा अच्छे से टेप मार के कवर कर देंगे ताकि ये और मजबूत हो जाए।
का वायर अभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग जो हेयर स्ट्रेटनर है उसमें वायर का कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करके सारा पार्ट जो है वो असेंबल कर देंगे। जो जो स्टेप फॉलो करके हम लोगों ने इसको खोला था वही सेम स्टेप से हम लोग इसको लगा देंगे। देखिए नीचे की तरफ एक स्प्रिंग रहता है, वो स्प्रिंग हम लोगों को अच्छे से लगा देना है। लगाने के बाद दोनों तरफ का जो क्लेम है वो भी हम लोगों को अच्छे से लगा देना है। लगाने के बाद इसमें जो स्क्रू है इसको टाइट कर लेना है। इसमें पावर देके देखेंगे ये सही हुआ है कि नहीं। देखिए लाइट ग्लो कर रहा है और तार को हम हिला के देखा हूँ, फिर भी कोई भी लूज कनेक्शन का कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो लाइट ग्लो कर रहा है वो पूरा स्टेबल है, मतलब हमारा जो स्ट्रेटनर है वो अभी बिल्कुल सही हो चुका है। इसके बाद हम लोग दोनों तरफ का जो कवर है ब्लैक कलर का वो दोनों लगा देंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।